मालिन आज मुंबई पहुंच चुका है और मुंबई में आप देख सकते हैं मेरे साथ पूरा समा किस तरीके से उत्तराखंडी रंग में रंग चुका है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड उत्सव और बोरवली में आज ये प्रोग्राम हो रहा है और पूरे उत्तराखंड के लोग जो है आज झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अपने पहाड़ को याद कर रहे हैं, अपनी संस्कृति को याद कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ ऐसी महान हस्तियाँ हैं जिन्होंने ना सिर्फ उत्तराखंड को बल्कि देश को भी गौरवान्वित किया है। मेरे साथ हैं वीरंजन नेगी जी। नेगी जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ में। धन्यवाद वीरंजन नेगी जी। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये उत्तराखंड जो उत्सव यहाँ पर प्रोग्राम रखा गया है ये क्यों रखा गया है? ये पहली बार जो है ये वेस्टर्न साइड में, मुंबई के वेस्टर्न साइड में पहली बार एक ऐसा प्रयास किया गया है यहाँ पे सारे उत्तराखंड हमारे इसके साथ में उनको और नज़दीक एक हमारे यहाँ पर कोचिंग मेला होता है वो बहुत दूर होता है और यहाँ से कई लोग इस तरफ के जितने वीरंजन नेगी जी की खासियत ये है कि वो खेल के साथ साथ जो है गढ़वाली नृत्य में भी उनका विशेष जो है अपना स्थान रहता है। उन्होंने कई गढ़वाली गानों में भी डांस किया है। और वीरंजन नेगी जी, आपसे जानना चाहूँगा कि कौन सा ऐसा गाना आपको लगता है जो आपका सबसे पसंदीदा और आप उनको सुनाना चाहिए? पहली बार मदन सिंह नेगी जी के गाने के ऊपर मैंने डांस किया और उसमें अनिल बिष्ट हमारे कोरियोग्राफर थे जो आज यहाँ पर मौजूद हैं। एक दिन में हम लोगों ने शूटिंग करी थी वहाँ पर। गाना जो है वो हर एक शादी में बजा और बहुत फेमस भी हुआ। जब मैं पिछली बार शूटिंग के सिलसिले में जब मैं उत्तराखंड गया था तो वहाँ पर सब लोग मुझे हर्षी मामा का बहुत अच्छा लगा। आप दो पंक्तियाँ उस गाने की हमारे लिए उसके गुनगुना सकते हैं क्योंकि उत्तराखंड चाह रहा है कि उत्तराखंड की जनता चाह रही है कि आप ये गाना गाएं उनको। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, उत्तराखंड के अंदर काबिलियत की कमी नहीं है। उत्तराखंड का युवा सबसे पहली सोच यही होती है कि वो आर्मी में जाए, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है पहाड़ का आदमी। और मैं अगर स्पोर्ट्स की बात करूँ, उत्तराखंड के अंदर क्या कारण है कि स्पोर्ट्स में आज भी जो है बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? हमारे प्रदेश के बच्चे जो है उतना प्लेटफॉर्म उनको नहीं मिल पा रहा जितना अन्य राज्यों को लोगों को मिल पाता है, क्या कारण है, क्या समझते हैं आप? बहुत बड़ा प्रश्न पूछा आपने। हमारे न्यूज़ के माध्यम से मैं अपने कि उनके अंदर वो सब कुछ है जो उन्हें एक इंडिया प्लेयर बना सकता है। थोड़ी सी फैसिलिटीज की कमी है, गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान दे। मैं उनको ये कहता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आऊँगा उत्तराखंड में और उनको सारे का सारा ट्रेनिंग दूंगा कि वो हर सुविधा मुहैया करने की कोशिश करेंगे। उनकी जरूरत है और उनका जो सम्मान करेंगे हमारे प्लेयर्स, वैसे आदमी चाहे क्रिकेट हो चाहे दूसरा मैदान हो, सब में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत तो ये थे हमारे साथ वीरंजन नेगी जी, जिनकी जो जीवन है उसके आधारित एक मूवी भी आई थी चक दे इंडिया, और चक दे इंडिया की FM है। और इन्होंने ना सिर्फ उत्तराखंड का पूरे देश का नाम रोशन किया है। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिमालयन न्यूज। मैं मिथुन साई, मुंबई। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार, भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। तो दोस्तों, हिमालय न्यूज की खबरों को लेकर अपनी राय नीचे दिए कमेंट बॉक्स में शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने अपने चैनल हिमालय न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब करें। आपका भरोसा ही हमारी ताकत है जो हमें झूठ को बेनकाब करने का हौसला देता है। तो देखते रहिए हिमालय न्यूज.com।